नेक्स्ट में ये क्वेश्चन भी कैसा कंपाइलेशन बेस्ड, मीन्स इसके इसमें टेस्ट करना जस्ट कंपाइल टाइम एरर्स और आइडेंटिफाई करना किस स्टेटमेंट में कंपाइल टाइम एरर के आने के चांसेस होंगे, प्लस उसके रीजंस क्या है, प्लस उसका सॉल्यूशन क्या है। ऑलमोस्ट इस टाइप का पैटर्न ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस किया था मैंने। इन दैट केस मीन्स इनिशियली मैंने टोटली 4 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, बी1 बी2 बी3 आई5 आई4। आई4 के केस में असाइनमेंट किसका हो रहा है, बी1। बी1 का टाइप क्या है इस प्लेस पर, बाइट। प्लस बी2 का भी टाइप क्या है, ऑल्सो बाइट। यहाँ डोमिनेटिंग टर्म क्या रहेगा, इसके साथ साथ ऐड क्या कराएंगे, इंटीजर। इन तीनों में से हायर रेंज किसका है, इंटीजर का। मीन्स ऑलरेडी डिस्कस किया कई बार, बाइट प्लस बाइट का एडिशन किस फॉर्म में आएगा, इंटीजर्स के फॉर्म में, और असाइनमेंट भी किस में रहा, इंटीजर। इसलिए स्टेटमेंट कैसा है, वैलिड और वैलिड असाइनमेंट्स। सेम है नेक्स्ट केस में टेस्ट करेंगे बी4। बी4 का टाइप क्या है स्पेशली, बाइट। बाइट टाइप के वेरिएबल में ओनली बाइट टाइप का रिजल्ट असाइन करना पॉसिबल, नॉट अ इंटीजर। अब इस पर्टिकुलर केस में मीन सबसे पहले असाइनमेंट के राइट हैंड पार्ट को और कॉन्सल्टेट करूंगा ओवरऑल एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में 3 ऑपरेटर है, असाइनमेंट, टाइप कास्टिंग और प्लस। हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, टाइप कास्टिंग है, बिकॉज टाइप कास्टिंग इज एन यूनरी ऑपरेटर्स। इस केस में सबसे पहले अप्लाई किया हुआ टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग ओनली किसकी, टाइप कास्टिंग लिए ऑपरेंट कौन है, ओनली B1। तो सिंपली B1 को कन्वर्ट किस में करेगा, बाइट में। तो इस प्लेस पर मीन्स B1 के प्लेस पर रिजल्ट किस फॉर्म में कंसिडर हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ बाइट आफ्टर टाइप कास्टिंग। मीन्स पहले एडिशन हो रहा है, पहले टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग जनरली देखा जाए तो B1 को टाइप कास्ट करना या मीनिंग ले सके, क्योंकि B1 ऑलरेडी बाइट के फॉर्म में और कन्वर्ट किस फॉर्म में करा है, बाइट्स के फॉर्म में। मीन्स इससे कोई इंपैक्ट ही नहीं हुआ। B2 का टाइप क्या है, ऑल्सो बाइट। प्लस इस केस में कंसिडर क्या करें, इंटीजर। तो अगेन मैक्स रेंज किसका इन तीनों में से, मैंने ऑलरेडी बताया था इंटीजर मिनिमम लेवल होगा। मीन्स इंटीजर से छोटा रिजल्ट जावा में कोई पॉसिबल ही नहीं, ऐसा नहीं कि बाय ऑपरेंड का टाइप बाइट या शॉर्ट है तो रिजल्ट भी बाइट या शॉर्ट में आएगा। मीन्स एटलीस्ट रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, इंटीजर्स के फॉर्म में। तो यहाँ भी रिजल्ट का टाइप क्या है, इंटीजर। इंटीजर को बाइट में असाइन करना पॉसिबल, देयरफॉर अगेन इस केस में रेज क्या होगा, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन फाउंड इंट रिक्वायर्ड बाइट कंपाइल टाइम एरर्स। मीन्स यहाँ चेक करना है टाइप कास्टिंग का परफेक्ट वे क्या हुआ। अगेन यहाँ टाइप कास्टिंग दोनों केसेस में अप्लाई किया सेपरेटली, मीन्स ये भी मीनिंगलेस है, क्योंकि सब पहले एडिशन परफॉर्म हो रहा है, पहले टाइप कास्टिंग जबकि पहले परफॉर्म क्या कराना है, एडिशन। क्योंकि इंटीरियर में रिजल्ट कब मिल रहा है, आफ्टर एडिशन, तो टाइप कास्टिंग कब होना चाहिए, एडिशन की बात। ये केस भी कैसा है, इनवैलिड, क्योंकि यहाँ पहले टाइप कास्टिंग हो जाएगा, देन अगेन बाइट और बाइट का एडिशन किस फॉर्म में आएगा, इंटीरियर्स के फॉर्म में। दिस इज द परफेक्ट वे। मीन्स इस केस में रेज क्या होगा, कंपाइल टाइम एरर, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन। मीन्स एग्जैक्ट वे क्या है, लास्ट वन के केस में हाई प्रीवियस केसेस में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको मिला था एवरी टाइम, टाइप कास्टिंग को, देन बाइनरी ऑपरेटर प्लस। लेकिन टाइप का किसी भी ऑपरेटर का प्रायोरिटी कंट्रोल करने के लिए ऑलवेज यूज क्या करते हैं, ब्रैकेट। तो यहाँ ब्रैकेट के थ्रू प्रायोरिटी को कंट्रोल किया, सबसे पहले एडिशन परफॉर्म हुआ, देन एडिशन का रिजल्ट किस फॉर्मेट में आ रहा है, इंटीजर्स के फॉर्म में। इसके जस्ट बाद ये इंटीजर किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, बाइट में, और बाइट असाइन किस में हो रहा है, अगेन बाइट। इसलिए स्टेटमेंट कैसा है, वैलिड।